मैं दरखास्त करूंगी संगीता टक्कर। विभिन्न हिस्सों से आए हुए सभी सम्मानित कलाकार देवियों सज्जनों तथा सभागार में उपस्थित कला प्रेमियों और बच्चों, ये हम सबका सौभाग्य है कि जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी को 7 महीने में दूसरी बार अमृत कला युवा महोत्सव, अमृत युवा कलोत्सव जम्मू में हम सब मिले थे। सबसे बड़ी विशिष्टता है, देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ आए हुनरमंद कलाकारों को अमृत काल में अपनी कला को श्रीनगर में प्रदर्शित करने का अवसर भी मिलेगा। मैं देश के अलग अलग हिस्सों से आए सभी सम्मानित कलाकारों का इस्तकबाल करता हूं। मुझे लगता है कि अमृत कलोत्सव के जरिए आप सभी को करोड़ों रूहों में रोशनी भरने का अवसर मिलेगा। आप सब जानते हैं संगीत, नृत्य, थिएटर ये तीन मात्र कला की विधाएं नहीं है, बल्कि ऐसी चाबियां हैं जिनसे जिंदगी के सारे ताले खुल जाते हैं। हमारी परंपरा में तो यहां तक कहा गया है कि कला की पूर्णमासी तो ऐसी होती है जिसके सामने सूरज और चांद की रोशनी भी फीकी पड़ जाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि कला के साधक देश का गौरव और उसका अभिमान होते हैं। दुनिया के किसी भी राष्ट्र की संपन्नता उसके धन दौलत से नहीं नापी जाती। आकाश को देखना हो तो सिर्फ कलाकार को देख लीजिए, क्योंकि उसके पास जो संपदा वही दुनिया का, जगत का साम्राज्य है। निजी तौर पर मैंने महसूस किया कि संगीत, नृत्य, थिएटर, कला इन विधाओं में परम पिता की झलक भी मिलती है, और जिसने पूरी तन्मयता से इसे जी लिया उसने शाश्वत जीवन के रहस्य को समझ लिया है। मैं समझता हूं कि देश आभारी है भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में उस विराट प्लेटफॉर्म का अवसर प्रदान करना है जिसमें समाज की आकांक्षाओं, उसकी अभीप्सा की भी झलक मिले और भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा एक नई ऊर्जा के साथ इस अमृत कालखंड की यात्रा में देश का मार्गदर्शन कर सके। अभी कल ही जो नमदा आर्ट जो विलुप्त होता जा रहा है, पिछले 2 वर्षों के प्रयासों से अनेक आर्टिजन्स को प्रशिक्षित करने, ट्रेन करने में हमें सफलता मिली, और कल पहली बार दिल्ली से इंग्लैंड के लिए नमदा आर्ट की बनी हुई चीज के लिए रवाना। मैं आभारी हूँ संध्या पुरीशा जी का, जिन्होंने अभी कहा कि यहाँ की लोक संस्कृति में जो भाण परंपरा थी उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास इनके संस्था के द्वारा होगा। मैं अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से और जम्मू कश्मीर के आवाम की तरफ से आपको हृदय से इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा मैं कह रहा था, भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा नई ऊर्जा के साथ अमृत काल में प्रदर्शित हो रही है। अगर शायरी के अल्फाज में मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है
सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। अमृत युवा कलोत्सव श्रीनगर के 3 दिवसीय कार्यक्रम में कला से बात करने का अर्थ है ऐसी अनुभूति जो हमारे अंदर सोए हुए सपनों को जगा सके। देखा तेरे कूचे में जो नजारे जन्नत, देखा तेरे कूचे में जो नजारे जन्नत, जन्नत में न देखा तेरे कूचे का नजारा। इन तीनों विधाओं में जो दौलत मिलेगी, आध्यात्मिक सौंदर्य की उन गलियों में जो झलक मिलेगी, वो शायद कहीं और मयसर नहीं होगी। साथियों, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशिष्टता उसकी निरंतरता है। दुनिया की अनेक संस्कृतियां, अनेक सभ्यताएं या तो समय के साथ विलुप्त हो गई या फिर जर्जर हो गई, लेकिन दूसरी तरफ तमाम चुनौतियों के बावजूद, अनेक आक्रमणों को झेलने के बावजूद, हमारे देश की संस्कृति न सिर्फ जीवंत है बल्कि इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। और इसकी जड़ों की सबसे बड़ी ताकत जो है वो विविधता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी विविधता को सशक्त करने राज्यों, संस्कृतियों, भाषाओं, कलाकारों और युवाओं एक दूसरे के नजदीक लाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का मिशन शुरू किया। आप सब जानते हैं इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु एक साथ पेयर्ड है। मुझे वाकई में गर्व है कि देश के विभिन्न राज्य इसके कारण करीब आए हैं, भौगोलिक दूरियां मिटी हैं, लोग एक दूसरे के खान पान, संस्कृति, भाषा, रहन सहन को समझने लगे हैं। कुछ महीने पहले मैं चेन्नई गया था विदस्ता के कार्यक्रम में, वहां मैं शरीक हुआ था और मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि 3600 किलोमीटर की दूरी सिमट गई हो और कश्मीर और कन्याकुमारी पड़ोसी शहर बन गए। हैरत से तकता है, हैरत से तकता है सहरा बारिश के नजराने, हैरत से तकता है सहरा बारिश के नजराने को, कितनी दूर से आई है ये रेत से हाथ मिलाने को। और जब भी इस तरह की भावनाएं पैदा होती हैं तो यकीन मानिए उसके पीछे हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रयास निश्चित रूप से शामिल है। पुरानी बात है, सम्राट अशोक का जब शिलालेख मिला था तब लोगों में इस बात की उत्सुकता थी, उसकी पहली लाइन पढ़ी जाए। उस पर लिखा था सर्वणी तू बहुविध, यानी आध्यात्मिक शक्ति कई रूपों में प्रकट होती है, अनेक रूप विविधता, यही तो हमारा चिंतन है और समाज चेतना का स्वरूप भी यही है। अनेक संप्रदाय, धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति, भाषा, जाति, सामाजिक व्यवस्थाओं का अनेक स्वरूप, लेकिन ये कला रूपी एकता की माला में जब हम इसे पिरोते हैं तो उसकी सुगंध दुनिया के कोने कोने में प्रसारित करने में जो योगदान हमारे कलाकारों ने दिया है वो किसी दूसरे वर्ग ने नहीं दिया है।